इंजेक्शन, इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं, इंजेक्शंस का नाम सुनते ही पेशेंट्स क्यों डर जाता है और इंजेक्शन डॉक्टर क्यों यूज़ करते हैं, तो वो सब बातें इस वीडियो में हम शेयर करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि इंजेक्शंस क्यों यूज़ किया जाता है। तो इंजेक्शंस कुछ भी नहीं है, अगर आप डॉक्टर हो या मेडिकल स्टाफ हो या नर्स हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी रह जाता है कि इंजेक्शंस किन केस में डॉक्टर उनको रिकमेंडेड करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्यों ओरल दवाई क्यों नहीं देते हैं, वो पेशेंट ओरल भी तो ले सकता है, इंजेक्शंस का क्यों रिक्स लेते हैं डॉक्टर, इंजेक्शंस के कारण पेशेंट्स को मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, कभी जॉइंट में इंजेक्शन मारते हैं तो जॉइंट पेन हो सकता है, तो डॉक्टर ये रिक्स क्यों लेते हैं। तो डॉक्टर उस केस में इसलिए इंजेक्शंस का रिक्स लेते हैं क्योंकि जब पेशेंट्स बहुत घूम के आया हुआ होता है, पेशेंट जैसे कि उसको डेंगू हुआ है, वो खुद से पैरासीटामोल वगैरह दवाई ले रहा है और वो बहुत देरी के बाद आ जाता है, उसका प्लेटलेट स्लो हो जाता है, जो कि प्लेटलेट 100 से 400 के बीच रहता है, तो उसमें ये नहीं होता है, तो उन केसेस में ये इंजेक्शंस यूज़ किया जाता है। तो इंजेक्शंस क्यों यूज़ किया जाता है, कि यूज़ ऑफ सिरिंज एंड नीडल्स टू पुश फ्लूड और ड्रग इनटू द बॉडी, ये कुछ नहीं है, सरल शरीर में तरल पदार्थ या दवाइयों को पहुंचाने के लिए सिरिंज और सुई का उपयोग किया जाता है, मतलब शरीर के अंदर डायरेक्टली आपके शरीर में पहुंचाया जाता है दवाइयाँ और तरल पदार्थ, जिससे आपको एनर्जी महसूस होता है, आपको एनर्जी के साथ साथ आपको आपकी बॉडी के अंदर जो डिसीज है उसको लड़ने के लिए हेल्प करता है। तो वाई आर इंजेक्शन यूज, तो इंजेक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इंजेक्शन का उपयोग इसलिए किया जाता है कि रैपिड एक्शंस रिक्वायर्ड रहता है, जैसे कि इंजेक्शन आर यूजली यूज व्हेन ए रैपिड एक्शन इज रिक्वायर्ड, इंजेक्शन आमतौर पर तब उपयोग किए जाते हैं जब तत्कालीन कार्रवाई की आवश्यकता होती है, मतलब आप समझ गए होंगे तत्कालीन का मतलब रहता है कि बहुत ही अर्जेंट रिक्वायर्ड रहता है तब डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इंजेक्शंस के टाइप क्या है, कितने टाइप के इंजेक्शंस होते हैं जो डॉक्टर लोग मेडिकल स्टाफ या नर्स या पैरा मेडिकल स्टाफ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इंजेक्शन का टाइप है, टाइप मतलब उसमें यह बताया जाएगा कि इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, तो इंट्रावीनस इंजेक्शन जिसको आईवी बोला जाता है, आईवी जो नसों के अंदर इंजेक्शन लगता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जिसको आईएम बोला जाता है, जो कि इंजेक्शन जो कि मसल्स के अंदर लगता है, सब कंटिन्यूसली इंजेक्शंस, और इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, इंट्रा आर्टियल्स इंजेक्शंस, ये सब टाइप है जो कि यहाँ पे आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो आईवी इंजेक्शंस क्या है, पहली बात हम समझ सकते हैं कि इंट्राविनस को आईवी इंजेक्शन बोला जाता है, डॉक्टर हमेशा ऐसा नहीं बोलेगा कि इंट्राविनस इंजेक्शन दो, इंट्रा बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा कि आईवी इंजेक्शन इस पेशेंट्स को लगाओ। तो अगर आप नर्स हो या रिसेप्शन हो या, तो उस टाइम पे क्या करने का है कि आईवी इंजेक्शन लगाना। आईवी इंजेक्शन क्या है कि देख, ये हमारे हाथ की नसें है, ये हाथ है जैसे समझ लो, तो उसके ऊपर ये बाल है, समझ रहे हो, ये बाल है, उसके नीचे वाली स्किन जो धूप से प्रोटेक्ट करती है, हम लोग नहाते हैं, उस स्किन को एपिडर्मिस बोला जाता है, उसके नीचे वाली को डर्मिस बोला जाता है, डर्मिस के अंदर नसें वगैरह रहती है, उसके नीचे सब कंटिन्यूस टिश्यू बोला जाता है, उसके नीचे मसल्स बोला जाता है, ये सब 4 लेयर में डिवाइड रहता है, जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस, सब कंटिन्यूस टिश्यू और मसल्स रहता है। तो आईवी कहाँ पे यूज़ किया जाता है कि सीधे नसों के अंदर यूज़ किया जाता है, मतलब एक लेयर छोड़ के जहाँ से अपन को आंखों से नहीं दिखता है, उस नसों के अंदर डाला जाता है जहाँ पे फ्लूड्स ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई होता है। तो इंट्राविनस इंजेक्शन क्या होता है कि इंट्राविनस आईवी मिस विद इन ए विनस टू रेफर ए मेडिकल प्रोसीडर that deliver fluids and medicines and nutrients directly into the veins using a needle or tube। ये कुछ भी कहना नहीं चाहता कि इसने ये बताया है कि आप उनको जो इंजेक्शन रहता है नीडल्स के साथ, अब उनको उसकी दवाई या न्यूट्रिशंस या फूड्स को सप्लाई किया जाता है सीधे नसों के अंदर, तो डर्मिस के अंदर ये नस इंजेक्शन लगता है, जैसे कि अर्थशिरा आई जिसको इंट्राविनस बोला जाता है का अर्थ होता है एक नस के भीतर, और चिकित्सा प्रक्रिया को संबोधित करते हैं कि जो सुई या ट्यूब का उपयोग करने सीधे नसों के अंदर तरल पदार्थ दवाई इन पोषक तत्वों को पहुंचाना होता है।
मतलब जो नसों के जो एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस रहता है वहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको आईवी बोला जाता है। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप समझ सकते हो कि ये अपने हाथ का भाग है, ये हाथ का भाग है। बहुत लोग अपने आम पे नहीं, आम पे लगाते हैं, कोई कोई एस पे लगाने का बोलते हैं, पर आम पे ज़्यादा डॉक्टर लगाते हैं। तो इंट्रामस्कुलर क्या होता है कि आईएम इंजेक्शंस होता है, जिसको क्या करते हैं कि मेडिकल प्रोसीडर दैट इन्वॉल्विंग इंजेक्टिंग मेडिसिन डायरेक्टली टू द मसल्स, मसल के अंदर डाला जाता है। तो इंट्रा मस्कुलर आईएम जो कि इंजेक्शन एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसकी दवाई को सीधा मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि देखो ये अपना हाथ है, उसके अंदर एक्रोमिन प्रोसेस होता है, डेल्टोट्स मसल होती है और इंजेक्शन साइट होता है। तो ये एक्रोमिन प्रोसेस है यहाँ पे नहीं लगाया जाता है, डेल्टा मसल के ऊपर नहीं लगाया जाता है, और ये मसल ऊपर की मसल रहती है उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसको आईएम इंजेक्शन बोला जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बोला जाता है। थर्ड हम बात करने वाले हैं सब कंटिन्यूस इंजेक्शन। सब कंटिन्यूस इंजेक्शन क्या होता है कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंसुलिन का वगैरह इंजेक्शन लगाने में भी हेल्प करता है, जो कि पेट के ऊपर लगाया जाता है, इस टाइप का इंजेक्शन रहता है। जैसे कि ये लेडीज़ खड़ी है, इसके साइड और बैक ऑफ अपर आर्म पे लगा सकते हैं, एडोमिनल पे लगा सकते हैं और फ्रंट ऑफ थिम्स पे लगा सकते हैं। तो ये आप चित्र देख के ही समझ गए होंगे कि इस टाइप के इंजेक्शन को सब कंटिन्यूस इंजेक्शन बोला जाता है। थोड़ा डीपली जाए तो सब कंटिन्यूस इंजेक्शन आर यूज टू एडमिनिस्टर मेडिसिन बिटवीन द स्किन एंड मसल। मतलब आप इजीली समझ गए कि वो इंजेक्शन कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि चमड़े के नीचे के इंजेक्शन का उपयोग त्वचा और मांसपेशियों के बीच में दवाइयों को प्रोसेसित करने के लिए किया जाता है। मतलब आप समझ गए कि ये इस महिला को इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है तो यहाँ पे लगाया जाता है, थिप में लगाया जाता है, एडोमिनल में लगाया जाता है और अपर आर्म के ऊपर भी लगाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होता है कि ये जो क्या करता है कि डर्मिस के ऊपर की लेयर रहती है उसके अंदर दबाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये अपना हाथ है, इस इंजेक्शन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन बोला जाता है। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन आईडी बोला जाता है जो सोन इंजेक्शन ऑफ टू सब्सटेंस इनटू द डर्मिस, द इसके लेयर लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। आप समझ गए होंगे कि चमड़े के नीचे के इंजेक्शंस का उपयोग त्वचा और मांसपेशियों के लिए बीच दवाइयों का प्रोसेसिंग करने में के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए कि इस टाइप के इंजेक्शंस को इंट्राडर्मल इंजेक्शंस बोला जाता है। गाइस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें पूछ सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। तो इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस क्या होता है, इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस को समझने के लिए हमने एक मेंढक का एक चित्र लिया है। मेंढक आप समझ सकते हो जिसका यूज़ करके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इंजेक्शन जैसे मेंढक का हार्ट है, इसको हृदय बोलते हैं, मेंढक का हृदय बोलते हैं, तो वहाँ पे यूज़ किया गया ये इंजेक्शन। तो जैसे कि इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस वो होते हैं जो कि रिक्वायर्ड टू द टिप्स विद इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू द टिप ऑफ द नीडल्स टू बी इंसर्टेड डायरेक्टली थ्रू द मायोकार्डियम्स इनटू द कार्डियक चैम्बर, और इकोकार्डियोग्राफी और बिसाइड अल्ट्रासाउंड में बी यूज टू द पेरिकार्डियोसेंट्रेसिस टू अवॉइड द लंग्स एंड और मायोकार्डियम्स। हाउएवर टाइम इज of the essence when the performance a intracardiac injections। ये कुछ भी नहीं बताना चाहता कि जब हार्ट के अंदर इंजेक्शंस को यूज़ किया जाता है तो कुछ इस तरह का इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम थोड़ी सरल भाषा में समझ सकते हैं तो इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस के लिए सुई को नोक को सीधा मायोकार्डियक के माध्यम से हृदय कक्ष में डालने की आवश्यकता होती है। मतलब जो सुई रहती है उसको मायोकार्डियक के माध्यम से हृदय के अंदर प्रवेश किया जाता है, और फेफड़ा या मायोकार्डियक के बचने के लिए पेरिकार्डियोसेंट्रिस से कोई कार्डियोग्राफी या बेडसाइड अल्ट्रासाउंड उपयोगिता हो सकता है। हालांकि
ट्रायोकार्डियल इंजेक्शन करने समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब इस टाइप के इंजेक्शंस को लगाने के लिए स्पेशली डॉक्टर की जरूरत रहती है, नर्स वगैरह की नहीं, डॉक्टर जो यूज़ करते हैं उसी की से यूज़ करना पड़ता है। और लास्ट इंजेक्शन रहता है जो कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन आप समझ गए होंगे कि ये अपना घुटना है, तो उस घुटने के ऊपर ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे कि जो हड्डी रहती है, जो जॉइंट रहता है उसके अंदर लगाया जाता है, जिससे जॉइंट का पेन वगैरह कम हो जाता है। तो ये इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इज ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग ए सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द जॉइंट टू रिलीव द पेन एंड ट्रीटमेंट अदर कंडीशंस। अल्ट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ऐसा उपचार है जिसमें दर्द को राहत के अन्य स्थिति में इलाज करने के लिए सीधे जोड़ों की में एक पदार्थ इंजेक्ट किया जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि बहुत एज बढ़ जाती है तब आपके घुटने वगैरह दर्द करते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं कि हड्डी के डॉक्टर, जिसको ऑर्थोपेडिक बोला जाता है, वो डॉक्टर क्या करते हैं कि इंजेक्शंस को दर्द को कम करने के लिए सीधा ही जॉइंट के अंदर इंजेक्शंस को मारते हैं, जिससे क्या होता है कि दर्द वगैरह कम हो जाता है। जैसे कि ऐसा कोई ऑपरेशन वगैरह भी करते हैं तो उस केस में भी ऐसे यूज़ किया जाता है इस टाइप के इंजेक्शंस को, जिससे क्या होता है कि इंजेक्शंस वहाँ पर ट्रीटमेंट कर जाता है। तो हमने इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस के बारे में पढ़ा, हमने इंट्रा कार्डियक इंजेक्शंस के बारे में पढ़ा, हमने इंट्राडर्मल इंजेक्शंस के बारे में पढ़ा, हमने सब कंटीन्यूअस इंजेक्शंस के बारे में पढ़ा, और हमने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के बारे में पढ़ा, और हमने इंट्राविनस इंजेक्शंस के बारे में पढ़ा, और टाइप ऑफ इंजेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा अच्छे से। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद फिर भी आपको इंट्राविनस, इंट्रामस्कुलर, सब कंटीन्यूअस, इंट्राडर्मल, इंट्राकार्डियक या इंट्रा आर्टेरियल्स के बारे में कुछ डाउट रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप भी नंबर दिया गया है, वहाँ पर भी पूछ सकते हो आप हमें। और इंजेक्शन क्या होता है उसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा, तो वो सब बातें इस वीडियो में हम शेयर की है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, उसके साथ साथ हम ऐसे एजुकेटेड वीडियो भी बनाते हैं जिसमें बहुत सारी मेहनत लगती है गाइस। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमको सपोर्ट कर सकते हैं, और इंजेक्शंस के बारे में कुछ डाउट रहे तो आप हमें पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। प्रोडक्ट के बारे में मैं जो भी इस वीडियो में बताऊंगा वो मेरा पूरा एकदम रिसर्च किया हुआ होगा, और आप मेरे साथ 3 से 4 साल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरे से कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हैं, कॉमेंट में भी मेरे को पूछते हैं, पर मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं। इसलिए मैं बताने वाला हूँ आपको आज मेरा व्हाट्सएप नंबर, जहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो वो भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8369969788 रहता है, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, और एक ईमेल आईडी भी रहेगा जिससे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गाइस, मैं जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ वो मैं एकदम डॉक्टर के साथ बैठ के रिसर्च करके उसके बारे में पूरा जानने के बाद ही आपको बताता हूँ, और डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी दवाई लेनी चाहिए। पर दोस्तों, मैं क्या बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कि जो भी मैं बात बताता हूँ वो आपको ऑलरेडी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करने के बाद ही आप उसके बारे में केवल जानने के लिए ये वीडियो देख सकते हो, ना कि आप खुद से लो और कंज्यूम करो। कभी भी मेरा वीडियो देख के कोई भी दवाई लेना नहीं है आपको, और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद आप यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो के बारे में जान सकते हो। मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो 100-110 तक का सही रहेगा, मैं कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता नहीं हूँ मैं, क्योंकि पूरा रिसर्च करता हूँ, फिर कंफर्म करता हूँ डॉक्टर लोगों से, फिर उसके बाद ही वीडियो पब्लिश करता हूँ। तो आप जान सकते हो मेरा पूरा मेहनत लगता है इसके अंदर, उसके बाद ही करता हूँ, और आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, इसलिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ जहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं, और कुछ डाउट रहेगा तो वो पूछ सकते हो। और मेरे पे भरोसा करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं गाइस।